हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक फजल करम और शुक्र के साथ आज के लोग करते हैं शुरू। अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो चलिए आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी गाइस नीचे इधर कज़न हल चला रहा है इधर ज़मीन पर, तो मैं देखने आया था कि ये वो बेर की लकड़ियाँ वगैरह ज़मीन में तो नहीं पड़ी, तो लेकिन अभी तक तो कज़न ने जगह बाहर भी दी है, यानी हल चला ही दी है उसने मेरे आने से पहले। लेकिन ये हटी पड़ी हैं, ये साइड पे ही हैं, बिल्कुल साइड पे ही हैं, ज़मीन में नहीं पड़ी थी। मुझे डर था कि ये कहीं ज़मीन में ना पड़ी हूँ, लेकिन ये साइड पे ही है। आज सुबह से हमारे गांव का मौसम कुछ इस तरह है, सुबह से ठंडी हवा और आंधी वगैरह चल रही है तकरीबन। आंधी तो वैसे गलत है इस वक्त, क्योंकि फसलों कोई बर्बादी होती है इन दिनों। अगर आंधी वगैरह चले तो, हवा वगैरह तेज़ चले तो फसल बर्बाद हो जाते हैं। वैसे मौसम बड़ा खूबसूरत बन हुआ, बादल देखे हर तरफ छाई हुई है, सही कहने बादल छाई हुई है। हाँ चलो, वैसे मौसम प्यारा है, लेकिन सिर्फ एक काम ख़राब है, वो है आंधी वगैरह हवा। तो इंशाल्लाह अल्लाह बारिश भी देगा, इंशाल्लाह बरसेंगे ये बादल भी। आज लेकिन सुबह से ऐसा ही मौसम बना हुआ है। अभी जी माशाल्लाह सुबह सुबह का मौसम है, सूरज अभी अभी सही निकला है, पहले तो बादलों में छाया हुआ था, ये अभी अभी निकला हुआ है। और रात को थोड़ी बहुत ऐसी हल्की फुल्की बारिश हुई है, सही तो नहीं हुई, हल्की फुल्की ही हुई है। तो अभी अगले दिन, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि टूर का प्लान है, कपड़े वगैरह लिए हैं, तो अभी बाइक का थोड़ा बहुत काम करवाना है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह टूर पर जाना है। तो अभी चलते हैं, बाइक को थोड़ी बहुत जो भी रिपेयरिंग वगैरह है वो करवाते हैं और बाइक को तैयार करते हैं टूर के लिए। तो चलिए। और बकाया जो भी काम था सब कुछ वो करवा दिया, अभी थोड़ा बहुत पानी भी लगा दिया है, अब हालत अच्छी है। तो यानी अभी टूर के लिए रेडी ही है, और अभी ख़ुद रेडी होना है, बैग पैक करना है, वो भी जो सामान वगैरह रखना है उसे रखते हैं, कपड़े वगैरह सामान और क्या है, सिर्फ कपड़े ही हैं। तो जो भी है पैक करते हैं जल्दी से। मैं सबसे पहले जो कपड़े मैं लेके जा रहा हूँ उनको इस्त्री करना है अभी, तो पहले वो इस्त्री करते हैं। तकरीबन ज़्यादा तो नहीं, दो जोड़े, तकरीबन दो जोड़े और एक पहनूंगा तीसरा, और एक ट्राउज़र और शर्ट, बस यही है। तो जल्दी से इनको पहले तो इस्त्री करते हैं और फिर बैग में डालते हैं। ये ट्राउज़र अगले दिन जो लाया था, लेकिन मैं आगे पहले शुरू में वीडियो में कह गया हूँ कि ट्राउज़र और शर्ट अभी लेनी है, जाते वक्त अगर मिल गई तो लेंगे, तो इसे तो अभी बैग में डालते हैं। अभी तक जो सामान याद था या जो लेकर जाना है वो तो डाल दिया कुछ थोड़ा बहुत, बल्कि एक मिनट एक चीज़ रह गई, बल्कि चलो वो बाद में डाल देंगे। चलो जो थोड़ा बहुत तो डाल दिया है, कपड़े पहले तो मेरे प्रोग्राम था दो जोड़े लेके जाने का, लेकिन अभी एक ही, क्योंकि एक दूसरे डाल के जाऊंगा, दो और तीसरा और ट्राउज़र और शर्ट फिर ले लेंगे, तो वो काम चल जाएगा। तो अभी और कुछ सामान होगा वो भी डाल देंगे। एक और बात, थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा जा रहा हूँ टूर पे लंबे पैर, वैसे ना वैसे यानी आम टूर पे यानी घर से हो तो निकला हूँ, लेकिन यानी उसी दिन ही वापस आ जाता था, यानी इतना लंबा टूर पहले कभी नहीं किया, पहली दफ़ा जा रहा हूँ, तो इतना सामान का भी नहीं पता क्या क्या लेके जाऊँ। तो अभी जो जो ज़रूरी मुझे लगता है वही ले जाऊँगा अभी, तो फिर जिस चीज़ की कमी हुई अगली दफ़ा जब जाएंगे तो वो भी ले जाएंगे।
अभी तक जो याद है वही लेके जाते हैं, यानी जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वही लेके जा रहा हूँ। गाइस बैग वगैरह पैक हो गया, बाइक वगैरह तैयार है, लेकिन अभी एक मसला आ चुका है, और वो मसला ये है कि जिधर मैं जा रहा हूँ अब तो बता ही दूँ, जा रहा था जा नहीं रहा, अब जा रहा था यानी नारायण का गाँव नहीं जा रहा था, लेकिन अभी पता किया तो वहाँ बर्फ़बारी, यानी वेदर चेक किया तो वहाँ बर्फ़बारी हो रही है, प्लान पोपट हो गया कि बाइक पे तो बर्फ़बारी में जाना बहुत मुश्किल है, तो अभी परेशान क्या कर सकते हैं, अब किस्मत में नहीं था तो अभी तो प्लान कैंसिल, फिर देखते हैं जब बर्फ़बारी ख़त्म हो जाएगी बाइक की ऊपर, तो अब दो ही चांसेस हैं, या दो चांसेस के बाइक पे जाना है तो फिर तो बाद में जाएंगे, अगर अभी जाना है तो फिर गाड़ी में जा सकते हैं यानी लोकल, तो अभी सोच में पड़ा हूँ क्या करूँ, देखते हैं क्या बनता है, फिलहाल तो सोच रहा हूँ, तो इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, और दुआ कीजिएगा पता नहीं क्या बनता है, अब व्लॉग देखते रहिएगा, देखते हैं, वैसे तो बैग भी पैक हो गया, बाइक भी रेडी कर ली है, लेकिन अभी सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि देखते हैं क्या पता, अगर लोकल पे गए से तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा क्या बनता है, अगले व्लॉग में देखिएगा, तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ सकें, और मैं ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं, तो फिलहाल के लिए बाय बाय।